आप सब नू सत श्री अकाल। दोस्तों अज असी फिर हाजिर होया तो आड़े ली डेली डोज का एक नवा एपीसोड लैके। अज दे एपीसोड दे विच आपां गल करांगे कि भारत सरकार वल्लों मोनेटाइजेशन की एक नवी पॉलिसी लैके आंदी गई है, वह की है। तो गल करांगे कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली विखे चल रहे किसान धरने उपर की टिप्पणी दी है, आओ ये सारा कुछ जानते हैं इस वीडियो दे विच। ये वीडियो शुरू करन तो पहला साडा चैनल जरूर सबसक्राइब कर लो तां जो तुसी साडे चैनल ते आ रही वीडियोस तुरंत ही देख सको। दोस्तों भारत दे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने अपने इस साल दी बजट स्पीच दे विच ऐलान कीता सी कि असी एक मोनेटाइजेशन स्कीम लैके आवांगे, ते कल उस स्कीम दा ऐलान कर दिता गया। इसनू नाम दिता गया नैशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। दोस्तों इस स्कीम का मैं थोनों मतलब दसदा कि भारत सरकार अपन जिन्या भी हिस्सेदारियां ने या मलकीत ने उन्होंने वेचण जा रही है, प्राइवेट हाथों दे जा रही है, चाहे वह रेलवे हो, चाहे वह सड़क हो, चाहे वह पावर हो, चाहे वह कोल माइना हो, चाहे वह स्टेडियम हो, चाहे वह एयरपोर्ट हो। इस उपर निर्मला सीतारमन जी ने दसिया कि इस पूरी जो डिस इनवैसट किया जाए, जदों इनू मोनेटाइजेशन की जाएगी तो इसकी कीमत 6 लाख करोड़ रुपया बन जाती है। निर्मला सीतारमन जी ने दसिया कि भारत सरकार इन्हां विच अपनी मलकीयत जिहड़ी आ उह नहीं वेचेगी, मलकीयत अपने कोल ही रखेगी। यह कहा जा रहा है कि इस विच 15 रेलवे स्टेशन, 25 एयरपोर्ट ते 150 तो उपर कोल माइना जिहड़ियां ने शामिल ने। सो इन्हां नूं मोनेटाइज किया जा रहा है। मोनेटाइज करन दा मतलब यह है कि इन्हां नूं वेचा जा रहा है, प्राइवेट हत्थां दे विच दित्ता जा रहा है। सरकार दा यह दावा है कि इस नाल जिहड़ी इनवैसटमेंट वधेगी ते नौकरियां वधणगियां, तो इस इनवैसटमेंट के नाल पूरे भारत को फायदा होगा। सो दोस्तों ये जिहड़ी पॉलिसी है आने वाले 4 सालों के दौरान इंप्लीमेंट की जाएगी। सो पहले साल के भारत सरकार वालों टारगेट रखा गया कि तकरीबन 1 लाख करोड़ के करीब जिहड़ी है भारत दीआं एसेट्स उन्होंने मोनेटाइज किया जाएगा, वेचा जाएगा। ये आने वाला भविखी दसेगा कि इन्हों वेचण तो बाद भारत को की फायदा होंगे। दोस्तों कल सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार ते यूपी सरकार को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसान धरने करके जिहड़ा सड़कों पर जाम लग्या होया उसनू जल्द तो जल्द क्लीयर कराया जाए, इस नाल आम जनता को बहुत दिक्कत आ रही ने। यह सुनवाई एक मोनिका नाम की लड़की वालों पाई गई पटीशन उपर करदिया सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की। मोनिका वालों अपनी पटीशन दे विचे कहा गया कि वह रोज़ाना दिल्ली तो नोएडा जाती है, किसानी धरने तो पहला उसनू सिर्फ 20 मिनट लगते सी, हुण उसनू 2 घंटे का समा लगता है, तो इस नाल उसनू बहुत ज़्यादा मुश्किल आ रही है। इस केस की सुनवाई करदिया सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह कहा कि तुहानू जल्द तो जल्द कोशिशां करनियां चाहीदियां ने कि जिहड़ा जाम है सड़कों के उपर लग्या होया इस नू जल्द तो जल्द हटाया जाए, तो किसानां नाल बैठ के गलबात की जाए, क्योंकि इस धरने दे नाल आम जनता नू बहुत मुश्किल आ रही ने। इस उपर यूपी सरकार, हरियाणा सरकार ते केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे जिहड़े ने उह दित्ते ने, ते कहा कि यह किसान धरना काफ़ी लम्मा चला गया है, तो इत्थे बजुर्ग ते औरतां बैठियां ने उन्होंने इस तरीके दे नाल हटाना हजे मुमकिन नहीं है। दोस्तों अगली खबर तुहाडी ऑनलाइन शॉपिंग नूं लैके है। RBI ने नवीं गाइडलाइन जिहड़ियां इशू कीतियां ने, इस दे नाल हुण जदों तुसीं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करनी है तां तुहानूं अपने ATM कार्ड, क्रैडिट कार्ड दा पूरा 16 अक्षरां दा नंबर जिहड़ा एंटर करना पवेगा। पहलां तुसीं अपने कार्ड दा कल्ला CVV एंटर करदे सी ते जिहड़ी इह ट्रांजैक्शन आ मुकम्मल हो जांदी सी, पर RBI ने नवीं गाइडलाइनस इशू कीतियां ने कि हुण हर किसी तरह की ऑनलाइन ट्रांजैक्शन दे लई तुहानू अपने कार्ड दे पूरे 16 अक्षर जिहड़े ने उह टाइप करने पैणगे। दोस्तों कोटकपुरा गोलीकांड की जांच करने वाले अधिकारी साबका IG कुंवर विजय प्रताप ने फैसला किया है कि इस उपर मानयोग हाईकोर्ट के फैसले नूं उह दोबारा चैलेंज करनगे। उन्होंने अपनी जिहड़ी पटीशन है वह दायर भी कर दिती है। इस उपर असीं तुहानू दस दईए कि अप्रैल 2021 दे विच मानयोग हाईकोर्ट वालों फैसला दिता गया सी कि जिहड़ी इह जांच है वह पक्षपाती है, तो इस नूं रद्द कर दिता सी। सो इस फैसले नूं दोबारा जिहड़ा है कुंवर विजय प्रताप वालों हाईकोर्ट के चैलेंज किया गया है। दोस्तों असी तुहानू कल दे एपीसोड दे विच दस्या सी कि किसान लगातार जलंधर हाईवे ते धरना दे रहे ने गन्ने की कीमतों नूं लैके। इस उपर पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू वालों टिप्पणी की गई है कि सरकार नूं इन्हां किसानां दी जल्द तो जल्द गल सुन के इन्हां नूं इन्हां दा बनदा जिहड़ा मुल है वह देना चाहिए। गन्ना किसानां ते पंजाब दे मुख्यमंत्री विचाले मीटिंग चल रही है गन्ने की कीमतों नूं लैके। इस मीटिंग का जो भी फैसला आएगा असीं तुहानूं इस चैनल पर अपडेट जरूर कर देवांगे। दोस्तों अज पटियाले दे पुड्डा ग्राउंड विखे पुरानी पेंशन की बहाली नूं लैके रैली की जा रही है, और अज दी रैली विच्चों ये खबर आ रही है कि किसान आगू जोगिंदर सिंह उगराहां ने भी इन्हां मुलाजमां नूं अपना समर्थन दिता है।
एक खबर आ रही है कि वह स्टेज पर भी गए पर जो उन्होंने देखा कि कुछ पोलीटिकल लीडर जे ने स्टेज साझी कर रहे थे तो उग्राहा जी स्टेज तो उठ के चले गए। उन्होंने कहा कि असी मुलाजमान बाहरों ही समर्थन देवे पर असी इन मुलाजमान के नाल खड़े हैं। सो दोस्तों ये अज का डेली डोज का एपीसोड, आस करते हैं तुम्हें अज का एपीसोड वधिया लग्या होगा। वधिया लग्या तो इस वीडियो को लाइक तो शेयर जरूर करो। साडे लई कोई भी सवाल या सुझाव हो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के कमेंट भी जरूर करो। साडे चैनल पर आ रही वीडियो तुम्हें चंगी लग रही हैं तो सानू सपोर्ट करने के लिए चैनल भी सबसक्राइब कर दौ, बैल आइकन भी जरूर दब दौ। हुण तुसीं सबसक्राइब बटन के नाल दिते ज्वाइन बटन प्रेस करके साडे चैनल के मैंबर बन के सानू सहयोग भी कर सकते हो। बस इस तरह ही जुड़े रहो, मिलते हैं अगली वीडियो के। धन्यवाद।